जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है लेकर एक और मैच। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं, दिन का दूसरा मैच है, वेस्टइंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे। वेस्टइंडीज पहला मैच हारा जिसकी वजह से करो या मरो की स्थिति में पहुंच गया है। जिम्बाब्वे पहला मैच जीता तो थोड़ी राहत है कि बचे दो मैच में से अगर एक भी जीते तो मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि प्लेइंग 11 पिछले मैच की तो ये थी, इसमें क्या बदलाव की संभावना दोनों टीमों की बनेगी, स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग टीम क्या बनेगी। लेकिन ये सारा कुछ शुरू करूं उससे पहले आप क्या करें कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मेरा। कैसे करें? इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां जाए, उस पर लिंक पे क्लिक करके सीधा ज्वाइन कर लें। इनकेस अगर लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो क्या करें, तो सीधे जाए टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाकर सर्च करें क्रिकेटोलॉजी। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको ढेरों चैनल दिखेंगे, उस ढेर में से ये वाला चैनल जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, 10,500 प्लस मेंबर हैं और यूजर नेम @MohitCricketologist, यूजर नेम कभी चेंज नहीं होता, इसको जरूर मैच कर लेना। इससे मिलते जुलते यूजर नेम पे भी मत जाना, फेक चैनल्स की बाढ़ आई हुई है मेरे नाम से, ठीक है। और ज्वाइन क्यों करना टेलीग्राम, क्योंकि मैच की अपडेटेड टीम आपको वही मिलती है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इस मैच पे। तो ये प्लेइंग 11 था वेस्टइंडीज का, काइली मेयर्स, लुइस, ब्रेंडन किंग, पूरन, ब्रूक्स, पावेल, होल्डर, अकील हुसैन, अंजारी जोसेफ, ओबियान और ओवेन। देखिए ये जो प्लेइंग 11 था इसमें बैटिंग ऑर्डर में हालांकि प्रॉपर नहीं है क्योंकि ओडियान इसमें थे, होल्डर के और अकील हुसैन के बीच में है, मैंने लिख दिया ऐसे। बाकी यहां तक बैटिंग ऑर्डर सेम ही रहेगा और बॉलिंग ऑप्शंस मेन पांच आपके दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4 सॉरी, सिक्स बॉलिंग है ऑप्शन काइली मेयर्स इफ नीडेड, और सेवेंथ बॉलिंग ऑप्शन रॉबिन पावेल, लेकिन ये काफी दिनों से गेंदबाजी कर नहीं रहे तो इनको ये ट्राई करेंगे, ऐसी संभावना कम है। पांच प्रॉपर और सिक्स मेयर्स के साथ ही जाएंगे। अब ओवर किसके काटेंगे मेयर्स, ये उस दिन किसका दिन खराब जाता, जैसे पिछले मैच ओवेड मैकॉय के काट दिए थे क्योंकि उनको विकेट नहीं मिला। ओडियान स्मिथ, इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि पहले मैच में हमने देखा डेथ बॉलर की भूमिका निभा रहे, मतलब आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट अंजारी जोसफ हैं, जितने इंपॉर्टेंट ओबड मकोय हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट ओडियाई ओडियन स्मिथ भी हैं। और उनके साथ पॉजिटिव ये कि डेथ बॉलिंग में जिस तरीके की ये गेंदबाजी करते हैं, वो लूपी शॉर्ट बॉल जो होती है वहां विकेट मिलता है इनको ज्यादातर, उसके साथ क्या है रन भी बनाते हैं। आपको पता है कि कैसा प्लेयर है, 10 बॉल पर 35 रन मार देगा 2 मिनट में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसीलिए मैंने कहा मेंशन करके आपको बता दूं कि भैया डेथ में बॉलिंग करने है, मतलब विकेट मिलने की संभावना बढ़ रही है इनकी। पूरन और पावेल का जो खराब फॉर्म है वो इनको हर्ट कर रहा है, प्लस लुइस, ये तीनों कैरेबियन प्रीमियर लीग के टाइम से ही सुपर फ्लॉप जा रहे हैं। बस अभ्यास मैच में पूरन ने एक पारी जरूर बढ़िया खेली, बाकी तो लंबे समय से पूरन का बल्ला बोला नहीं है। इधर जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की जो स्ट्रेंथ है वो है इनके ऑलराउंडर्स, मैथ्वियर, विलियम्स, रजा। और रजा ने पिछला मैच अकेले दम जिता दिया, बैटिंग से बॉलिंग से आपको पता है। प्लस इनकी जो बॉलिंग यूनिट है, खासकर पेस बॉलिंग यूनिट, जोंगवी, चटारा, नगरवा, मुजरावानी, ये बहुत बढ़िया है। और ऑलराउंडर चूंकि सारे स्पिन ऑलराउंडर हैं तो इनको फायदा ये कि चार पेस के साथ भी जा सकते हैं, एक का दिन खराब होगा, दूसरे का दिन खराब होगा, चारों का दिन खराब नहीं हो सकता। जैसे पिछले मैच में जोंगवी पिटाई हुई जोंगवी की, तो कोई बात नहीं, नगरवा ने विकेट लिए, मुजरावानी ने विकेट लिए, चटारा ने विकेट लिए, और उधर सिकंदर, रजा, विलियम्स तो एवरग्रीन नहीं है। जरूरत पड़ती तो बर्ल और मैथ्वियर के रूप में दो और ऑप्शन थे, मतलब इस टीम में चार स्पिन चार पेस हैं, मुजरावानी मेन बॉलर, चटारा मेन बॉलर, नगरवा और जोंगवी में जिसका दिन बढ़िया वो बॉलर, लेकिन स्टार्टिंग नगरवा करेंगे। रजा पक्का ओवर डालेंगे, विलियम्स जरूर गेंदबाजी करेंगे, बर्ल और मैथ्वियर जरूरत के हिसाब से ही होंगे, लेकिन है इस टीम के सिक्स और सेवेंथ बॉलिंग ऑप्शन, इवन फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन तो इनके जोंगवी हैं, तो ये सेवेंथ एट्थ हो गए। इरविन, चकवावा और सुम्बा को छोड़ दूं तो पूरी टीम बॉलिंग कर लेती है, ये गहराई है इस टीम की। और T20 जो कि छोटा फॉर्मेट है तो वहां पे फिर इनका गेम भी निखर के आ जाता है। कंसर्न जो है वो ओपनिंग का मान लो बस थोड़ा बहुत, बाकी इस टीम में कोई खास कंसर्न है नहीं, ठीक है। तो बढ़िया जिम्बाब्वे की टीम है और वेस्ट इंडीज तो है ही है। स्मॉल लीग टीम आपकी क्या होने जा रही है उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले स्मॉल लीग आपको ट्राई क्या करनी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्मॉल लीग आपको ट्राई करनी है कहाँ दोस्तों, विजय मिला होने पर।
विजन इलेवन आज के जमाने में बहुत बढ़िया सदी हुई अच्छा ऐप है, ड्रीम इलेवन के बाद मैं तो कहूंगा सबसे अच्छा ऐप है। जुड़िएगा विजन इलेवन से अभी के अभी, जाइए लिंक पे और डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर दिया हुआ है। मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करने पर आपको फायदा यह मिलेगा कि हर मैच का फ्री गिव अवे आपको मिलेगा ही मिलेगा विजन इलेवन पर, ठीक है। सॉरी तो स्मॉल लीग टीम देख लेते हैं, विकेट कीपर आपके पास है कौन, रेजिस चकवाबा और उसके साथ निकोलस पूरन। पूरन आपको पता है फॉर्म में नहीं है, चकवाबा ओपनिंग कर रहे हैं ठीक ठाक, कच में भी पीछे बांग्लादेश के खिलाफ जो जिम्बाब्वे का सीरीज हुआ था दो बड़ी पारियां खेली थी, तो स्मॉल लीग में मैं चकवाबा के साथ जा रहा हूं। ये भी अपने आप में बिलफ है थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरन के साथ जाएंगे आपको पता है, ठीक है। तो चकवाबा हो गए, तीन बैटिंग ऑप्शन क्रेग इरविन, इनके साथ लुइस और किंग, तो तीन बैटिंग ऑप्शंस के साथ जा रहे हैं हम स्मॉल लीग में। चार ऑलराउंडर, दोनों जिम्बाब्वे के प्रीमियर ऑलराउंडर कौन, सिकंदर रजा और सीन विलियम्स। उसके साथ दो ऑलराउंडर यहां से मेयर्स और होल्डर, एक का बैटिंग से गेम कवर ज्यादा है, एक का बॉलिंग से गेम कवर ज्यादा है। लेकिन जाएंगे हम चार ऑलराउंडर थ्योरी के साथ ही। तीन बॉलर अलजारी जोसफ बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के विकेट इनके लोक लुभावन रहेंगे। मैंने जब वेस्ट इंडीज के पहले मैच का वीडियो बनाया था आपको याद हो, तो मैंने बोला था कि एक बड़ा हिट साबित हो सकते हैं अलजारी ऑस्ट्रेलिया में। पहले मैच में उन्होंने दिखाया कि तीन विकेट लिए और ये कंटिन्यू रहेगा, फॉर्म भी ठीक ठाक चल रही है। ओडियन स्मिथ ओवर मैकॉय के ऊपर प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि बल्ले से रन का भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, 10 बॉल भी मिली 35 रन का जैसे मैंने बताया, तो 50 पॉइंट प्लस। जैसे ओवर मैकॉय की क्षमता है विकेट लेने की डेथ ओवर्स में, ऐसे ही ओडियन स्मिथ की भी है। उनके साथ मुजरावानी, दो ओवर पावर प्ले में, दो ओवर डेथ में, ऐसे मुजरावानी का गेम कवर रहेगा। तो ये आपकी स्मॉल लीग टीम बन गई, कैप्टन सिकंदर रजा और वाइस कैप्टन जेसन होल्डर। टीम आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिनी ग्रैंड लीग टीम में सबसे पहला चेंज यहां पूरन को लाया, बैटिंग में लुइस और किंग तो ऐसे ही रहेंगे, इरविन की जगह मिल्टन सुम्बा को ले रहा हूं मैं। फिनिशिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी सुम्बा पे रहेगी, पिछले मैच में ठीक ठाक खेले थे तो फॉर्म सही है, बस थोड़ा गेम कवर मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। ऑलराउंडर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, वही चारों जो यहां थे रजा विलियम्स मेयर्स और होल्डर। बॉलिंग ऑप्शंस की बात करूं तो अलजारी जोसफ रहेंगे यहां, ओडियन की जगह ओवेड मैकॉय को मैंने मौका दिया है, कि अगर बैटिंग बहुत ज्यादा ओडियन की नहीं आई या बैटिंग में नहीं चले तो फिर ओवेड मैकॉय ओडियन स्मिथ पे भारी पड़ सकते हैं उस लॉजिक के साथ, और मुजरावानी एज इट इज। ये आपकी स्मॉल मिनी ग्रैंड लीग टीम होगी, कैप्टन हमारे सिकंदर रजा ही रहेंगे और वाइस कैप्टन यहां काइली मेयर्स, स्क्रीन पर देख लीजिए। अब ग्रैंड लीग, तो ग्रैंड लीग में भी विकेट कीपर हमारे पूरन रहेंगे, ठीक है। बैटिंग ऑप्शंस की बात करूं तो क्रेग इरविन को वापस लाया मैं, लुइस और किंग की जगह, किंग तो रहेंगे, लुइस की जगह ब्रूक्स। कैरेबियन प्रीमियर लीग में 100 लगा के आए, उसके बाद फिर T20 में अच्छा किया और अभ्यास मैच में भी बढ़िया किया, तो ब्रूक्स बढ़िया चॉइस रहेंगे ग्रैंड लीग में। ऑलराउंडर्स में रजा एज इट इज, विलियम्स एज इट इज, मेयर्स की जगह माधवियन, एक बदलाव।
होल्डर है एज इट इज। ठीक है, अब आगे गेंदबाजी ऑप्शंस की बात। तो गेंदबाजी में अकील अलजारी जोसफ तो एज इट इज रहेंगे, उबेड मैकॉय की जगह यहां अकील हुसैन को लेकर आया हूं, रोटेट कर दिया। और मुजराबानी की जगह लेकर आया हूं मैं नगरावा को। कारण यह है नगरावा पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और पूरा यहां से टॉप ऑर्डर वेस्टइंडीज का मतलब जो ओपनर है वो नहीं है, तो इनको यहां विकेट मिल सकते हैं। इस लॉजिक के साथ मैं लेकर जा रहा हूं चार ऑल राउंडर तीन बॉलर कॉम्बिनेशन के साथ। कैप्टन इस टीम के जो रहेंगे वो सिकंदर रजा फिर से रहेंगे, मतलब चाहे स्मॉल लीग हो चाहे मिनी ग्रैंड लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, कैप्टन सिकंदर रजा को ही बनाना है। वाइस कैप्टन अलजारी जोसफ, वीसी हम अपना रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ग्रैंड लीग टीम बनकर स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो में मैच से रिलेटेड हमारी बात खत्म होती है, मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। अपना प्यार सब्सक्राइब करने के साथ और नोटिफिकेशन बेल दबाने के साथ बरसाते रहिएगा, कमेंट लाइक जरूर करें, हमारा और आपका ये तालमेल बना रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। अच्छे अच्छे आप दिन करते रहें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।